अस्सलाम वालेकुम। शुरू वाला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नेत रहम करने वाला है। पाकिस्तान हिस्ट्री, पाकिस्तान इंडियन हिस्ट्री, पाकिस्तान अफेयर, जो तारीख़ के हवाले से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव के हवाले से भी, और ये एक छोटी सी शॉर्ट हम ओवरव्यू लेते हैं पूरा मुगल एम्पायर की, क्योंकि इंडियन पीरियड हिस्ट्री पीरियड टू में भी इम्पॉर्टेंट है और पाकिस्तान अफेयर में भी ये हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, इंट्री में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो जाते हैं मुगल एम्पायर पर। मुगल एम्पायर कहाँ से आया और मुगल एम्पायर कब से कब था? मुगल एम्पायर जो है वो 1526 से लेकर 1857 तक मुगल एम्पायर है, ठीक है। मुगल डायनेस्टी कहते हैं मुगलिया ख़ानदान की जो दौर हुकूमत है वो है, ठीक है। तो मुगलिया ख़ानदान की दौर हुकूमत, मुगलिया ख़ानदान कहाँ से आई? बेसिकली मुसलमान तो 712 में आए थे, इसके बाद मुसलसल मुसलमान बरसर इकतदार आ रहे थे, मुसलमान बसलसर इकतदार आ रहे थे, लेकिन इस्लाम जब बरसगीर में आया तो यहाँ पे इस्लाम की इंडियनाइजेशन हो गया। इंडियनाइजेशन हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि बहुत सारे इस्लामी रवायात ख़त्म हो गए थे, इसमें इस पर ज़्यादातर जो इम्प्लीकेशंस थे वो हिंदू के आ गए, क्लियर। तो मुसलमान की जो दौर हुकूमत थी वो रिडन हो गई हिंदू रिचुअल से, हिंदू तर्ज़ स्टाइल से, तर्ज़ हुकूमत से। इसलिए यहाँ के मुसलमानों ने सोचा कि अब कोई बंदा आए और इस्लाम की रिवाइवल कर ले। तो मुसलमानों ने, इंडियन मुस्लिम ने बेसिकली उज़्बेकिस्तान के एक समझो किंग था, उसी से रिक्वेस्ट किया कि मुसलमानों की जो दौर हुकूमत है वो बहुत ख़राब हो चुकी है, मुसलमान अपनी रिवायत खो चुके हैं, इसलिए आप हमारी मदद कर लें। उज़्बेकिस्तान से पर्यटनल साइड से, यानी मतलब जो आबा व अजदाद की तरफ से तैमूर का जो बेटा या तैमूर की जो मतलब उसकी बेटे का बेटा था वो था बाबर, जबकि माँ की तरफ से ये चंगेज़ ख़ान, यानी फ्रेटरनली ये जो था तैमुरिदियन था और मेटरनली जो है चंगेज़ियन था। ये था मंगोल उज़्बेकिस्तान से, ये बंदा फरगाना में रहता था। फरगाना उज़्बेकिस्तान में एक जगह है, वहाँ से अफ़गानिस्तान आया, अफ़गानिस्तान से डायरेक्ट सब कॉन्टीनेंट आया। यहाँ पर अटैक कर दी, किस पर अटैक कर दी? उज़्बेकिस्तान से था। 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, इस बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी, वो भी एक मुसलमान था, उसके ख़िलाफ़ उसने लड़ाई की। किसने? इस मुसलमान के ख़िलाफ़ लड़ाई की और हुकूमत पर कब्ज़ा कर लिया। ये था बुनियाद बाबर का और ये था बुनियाद मुग़ल एम्पायर का। यानी मुग़ल एम्पायर 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के ज़रिए लाया गया सब कॉन्टीनेंट में। यहाँ से मुग़ल ख़ानदान की हुकूमत शुरू हो गई। मुग़ल ख़ानदान में पहला जो बादशाह था वो था बाबर, क्लियर। बाबर जैसी मतलब 4 साल 5 साल हुकूमत की तो बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को बिठा दिया। सन ऑफ बाबर 1530 से लेकर 1540। बाबर के बाद फिर हुमायूं से हुकूमत में कमज़ोरियाँ आ गई और 1530 से 1540 तक इसकी दौर हुकूमत इस्टेब्लिश हो गई। लेकिन इस दौरान फिर जब हुकूमत कमज़ोर हो गई, फिर ये आके मुसलमानों ने सोचा कि हम किसी और बंदे को ढूंढें, वो आके इस्लामी सल्तनत को संभाल है, क्योंकि हुमायूं फिर इसके काबिल नहीं है कि वो हुकूमत को रन कर सके। हम सिर्फ ओवरव्यू देखते हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें इसमें हुई है उसको हम साइडलाइन करते हैं। हमारा जो मेन मकसद है वो सिर्फ इसका एक ओवरव्यू लेना है। इसके बाद एक और बंदा अफगानिस्तान से आया, शेरशाह सूरी। 1540 में 40 से लेकर 1556 तक, यानी शेरशाह सूरी जो कि एक अलग बंदा था, उसने हुमायूं से हुकूमत कब्ज़ा कर लिया। कब? 1540 से 1556 तक। और शेरशाह सूरी की दौर हुकूमत जब भी बरसगीर में आया तो उसने पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ किया वो जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड जो है तामीर कर दी सब कॉन्टीनेंट में। ये सबसे बड़ा रोड था, ठीक है ना, ये बंगाल से तामीर किया था
पेशोर तक, यानी इस वक्त सबकॉन्टिनेंट सबसे बड़ा रोड यही था। इसके अलावा शेरशाह सूरी की दौलतमत जो थी बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव वाले से बहुत ज़्यादा काम किए थे, इसने पुलिस सिस्टम बनाया, ज़क़ात सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, सही कर दिया, बाकायदा एग्जीक्यूटिव सिस्टम बनाया, मतलब ये बैतुल माल का जो सिस्टम है इसने बनाया, मतलब इसने एडमिनिस्ट्रेटिव वाले से बहुत काम किया। शेरशाह सूरी को हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर ने क्या कर दिया इस शेरशाह सूरी के साथ, इस शेरशाह सूरी के साथ लड़ाई करके, कब लड़ाई करके, अच्छा हुमायूं का बेटा अकबर, इसका असल नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, और इसको अकबर द ग्रेट भी कहते थे, क्या कहते थे, अकबर द ग्रेट, अकबर द ग्रेट, अकबर द ग्रेट, अकबर द ग्रेट ने क्या कर दिया 1556 में शेरशाह सूरी को शिकस्त दे दी और फिर अपनी वालिद के तख्त को संभाला। कब 1556 में, कब तक रहा 1605 तक रहा। शेरशाह सूरी को बैटल ऑफ सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में इसको शिकस्त दे दी और तख्त पर जो है बराए जमा हुआ। अकबर जैसे ही आया, चूंकि अकबर की जो समझो परवरिश हुई थी वो हिंदू कोर्ट में हुई थी, यानी हिंदू हुमायूं की एक बेबी हिंदू थी, राजपूत थी, तो उसकी मतलब उसने उसकी परवरिश की थी, इसलिए उसके ऊपर राजपूत का जो रिश्वत था उसका बहुत बड़ा असर था। अकबर जैसे ही आया उसने क्या कर दिया, उसने बहुत सारी लड़कियों राजपूत लड़कियों से शादी की, बहुत सारे हिंदुओं को अपने कोर्ट में बड़े बड़े पोजीशंस दे दिए, साथ साथ में उनको मतलब ज़्यादातर फेवर करने लगे, हिंदुओं को राजपूत को फेवर करने लगे। लिहाजा इन हिंदुओं ने क्या कर दिया, अकबर को कहा कि आप अपना दीन बना लें। अकबर ने क्या कर दिया 1582 में अपना दीन बनाया, उस दीन का नाम था दीन ए इलाही। अच्छा दीन ए इलाही जब अकबर ने बनाया तो इस दीन का मकसद तमाम सब कॉन्टिनेंट के जितने भी मजहब थे इन सबको कंबाइन करवाया। इस्लाम में अल्लाह इज ग्रेट, तो उसने इसकी जगह लिखा अकबर इज द ग्रेट, क्लियर। कंसिडर अकबर्स शेडो ऑन द अर्थ, गॉड शेडो ऑन द अर्थ, कहते हैं कि अकबर जो है अल्लाह ताला, नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह ताला का शेडो है जमीन पर, क्लियर। अच्छा जैनिज्म इंट्रोड्यूस करवाया इसी के साथ, यानी इसका मतलब इसकी इसके मजहब में पहला चीज क्या था, अकबर इज द ग्रेट, ये इस्लाम से उठाया गया ये सेंटेंस, यानी ये रिचुअल। दूसरा जैनिज्म से उठाया गया कि तमाम जानवरों की ज़िबा करने पर पाबंदी लगा दी, ये जैनिज्म लोग जो हैं वो सिर्फ वेजिटेरियन हैं, वो गोश्त नहीं खाते हैं, वो मतलब किसी जानवर को ज़िबा नहीं करते हैं, ये वहाँ से उठाया गया इस मज़हब में। अच्छा इतवार के दिन हम इबादत करेंगे, ये था क्रिश्चियंस का। और सन के सन मतलब सूरज के सौ नाम को रिसाइट करेंगे, ये हिंदुज़्म से उठाया गया। जरतुश्त को आग परस्ती को भी तरजीह दी थी, ये जरतुश्त का जो कॉन्सेप्ट लाया गया, मतलब इसका जो दीन था वो बहुत सारे दीन या मजहबों का एक मजमुआ था, इसको कहा गया दीन इलाही। दीन इलाही गॉट अ नेचुरल डेथ व्हेन अकबर गॉन, यानी दीन इलाही जो वो भी चला गया जैसे ही अकबर चला गया। लेकिन इस दीन इलाही में क्या हुआ कि मोहम्मद जैसे नाम रखना जो है वो पाबंदी लगा दी, मंदिर और मस्जिदों को वेरापसिस बना दिए, मस्जिदों में आज़ान पर पाबंदी लगा दी, बहुत सारे ऐसे इस्लामिक रिचुअल्स थे जो बहुत ज़्यादातर मिसइंटरप्रेट कर दिए, तो इस्लाम बहुत ज़्यादा डिक्लाइन की तरफ चला गया। लिहाजा इस दौरान एक बंदा, अच्छा अकबर जो है वो मरियम ज़मानी का बेटा है, ठीक है ना, इस औरत का नाम मरियम ज़मानी है, अकबर इसका बेटा है। अच्छा इसके बाद इस दौरान एक बंदा पैदा होता है 1564 में, उसका नाम है मुजद्दद अल्फ़सानी। मुजद्दद अल्फ़सानी इसका असल नाम है शेख अहमद सरहिंदी। शेख अहमद सरहिंदी जो है वो सरहिंद में पैदा होता है
और इसका नाम है, असल शेख अहमद है और सरेंद में पैदा होता है, इसलिए इसको कहते हैं सरेंदी। तो सरेंदी 1564 में पैदा होता है। इस वक्त अकबर जो है वो उसकी दीन मुकम्मल तौर पर बरे सगीर में काबिज हो चुकी है। ठीक है, ये बंदा इल्म हासिल करता है। इल्म हासिल करने के बाद इसने क्या कर दिया, 1582 में चूंकि इसका दीन आया तो 1600 में ये बंदा अकबर के दीन के खिलाफ खड़ा होता है। अच्छा, मुजद्दद का मतलब क्या है, तजदीद करने वाला। तजदीद की कितनी करेक्टरिस्टिक्स हैं, तजदीद करने वाला बंदा वो बंदा है जो मुश्तहद हो। मुश्तहद की क्या खूबियाँ हैं, अरबी ज़बान पर कमांड हो, एक सेकंड उसको हदीस और तफसीर पर कमांड हो, दूसरा, तीसरा उसको अफीका पर मंतिक पर कमांड हो, चौथा वो वक्त के आलात से मुकम्मल तौर पर बाखबर हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें उनमें होने चाहिए तब वो बंदा जाके तजदीद कर सकता है, मुश्तहिद कहलाया जाता है। मुश्तहिद से मुराद ये है कि वो बंदा फितवा दे सकता है उस वक्त की। अब इस बंदे ने इस्लाम के लिए इतना काम किया कि इस बंदे को सेकंड मिलेनियम का टाइटल मिला। सेकंड मिलेनियम क्या है और फर्स्ट मिलेनियम क्या है और थर्ड मिलेनियम क्या होगा। फर्स्ट मिलेनियम से मुराद ये पहले 1000 साल में इस्लाम के लिए किसने काम किया। पहले 1000 साल में खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने ये टाइटल हासिल किया है। जब उमैया के ख़ानदान के बाद इस्लामी जो निज़ाम था वो बहुत बिगड़ गया, तो फिर ये जो उमर बिन अब्दुल अजीज़ आया ये उमैया ख़ानदान में, इसने बिल्कुल वही दौर हुकूमत की जो पहले 4 खलीफा ने की थी, तो इसलिए इसको खलीफा फिफ्थ राशिद भी कहते हैं और इसको फर्स्ट मिलेनियम, पहले मिलेनियम का मतलब है आज़ाद, पहले मिलेनियम का, पहले 1000 साल का मुजद्दद कहलाता है। दूसरे 1000 साल में यानी 1000 से लेकर 2000 साल तक के दौरान जो बीच में जिसने ज़्यादा इस्लाम के लिए काम किया वो मुजद्दद अल-फ़िसानी है, जिसका नाम है शेख अहमद सरेंदी। सानी का मतलब है दूसरा मुजद्दद है, जिसने इस्लाम के लिए काम किया है। इस बंदे ने क्या कर दिया, इस बंदे ने भी इस्लाम के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। इसकी दो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताता हूँ कि इस वक्त हिंदू में एक किस्म की कॉन्सेप्ट पाया जाता था, उस कॉन्सेप्ट का नाम था वादतुल वजूद, वादतुल शुहूद। वादतुल वजूद वो ये समझते थे कि अल्लाह ताला हर चीज़ में मौजूद है, हम हर चीज़ की पूजा कर सकते हैं, हम हर चीज़ को पूछ सकते हैं, उसके सामने इबादत कर सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला हर चीज़ में मौजूद है। री इनकारनेशन और गौन का नज़रिया भी कहते हैं इसको। इस शख्स ने ये कहा कि अल्लाह ताला हर चीज़ में मौजूद नहीं है, वो ये कहते थे कि हर चीज़ में डिसॉल्व हो चुका है। इस बंदे ने यह कहा अल्लाह ताला हर चीज़ में डिसॉल्व नहीं हुआ है, अल्लाह ताला हर चीज़ में मौजूद नहीं है, अल्लाह हर जगह मौजूद है, अल्लाह हर जगह देख सकता है। वादतुल शुहूद का कॉन्सेप्ट इसने दे दिया कि वादतुल वजूद नहीं है, वादतुल शुहूद है, अल्लाह ताला हर चीज़ में मौजूद नहीं है, अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। ये बड़ा कॉन्सेप्ट, इस्लामी रवायात बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो चुके थे, खासकर फ़राइज से बहुत लोग बहुत दूर जा चुके थे। इसने मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए बहुत सारे खतूत लिखे और इनके खतूत को खुतबात अहमदिया, ठीक है ना, इसने लिखा खुतबात शेख अहमद, इसने लिखा खुतबात अहमदिया सरसन अहमद खान के थे, खुतबात शेख अहमद जो थे इसके थे, बहुत सारे खतूत लिखे लोगों को और खुतबात दे दिए, ठीक है ना। अच्छा, इस बंदे को अकबर का बेटा कौन आया, फिर जहांगीर आया। जहांगीर 1605 से 1627 तक है। इस दौरान इस बंदे को जेल में डाल दिया कि जब ये इसके खिलाफ खड़ा हो गया तो इसने बगावती शुरू कर दी, तो 1606 में इस बंदे को जेल में डाल दिया। जब इसके ऊपर कोई प्रूफ नहीं मिला तो फिर इसको आज़ाद दरियम देके रिलीज कर दिया। अच्छा, जहांगीर के बाद उसका बेटा शाहजहां आया, ठीक है ना, ये 1628 से 1658 तक रहा। अच्छा, ये बंदा जैसे ही गवर्नमेंट कर रहा था, ये बंदा इसका बेटा चूंकि कहते हैं कि आप गवर्नमेंट के काबिल नहीं है, इसलिए इसने क्या कर दिया, इसको जेल में डाल दिया। कब, 1666 में। किसने, इसने इसको जेल में डाल दिया। अच्छा, फिर ये इसकी डेथ हो गई कब,
तब तक जेल में रहा। 1666 में इसकी डेथ हो गई थी। किसकी? शाहजहां की, जहांगीर की डेथ हो गई थी। यानी इसको मतलब 1650-60 में जेल में डाल दिया। कब तक? 1666 तक। फिर ये या फिर इसकी डेथ हो गई। ये इसकी डेथ की डेट है। किसकी डेथ की डेट है? डेट है ये जहांगीर की डेथ की डेट है। अच्छा, इसके बाद इस दौरान खासकर मुगल आर्किटेक्चर जो है बहुत मतलब हाई पीक को पहुंचा। खासकर ताजमहल जो है 1658 में, 1658 में इसने ताजमहल को कंप्लीट किया। ठीक है, जुमना रायवर पर है, जो कि अपनी बीवी की याद में इसने तामीर किया था, नूरजहां। इसके बाद शाहजहां का बेटा औरंगजेब आया। औरंगजेब 1658 से लेकर 1707 तक, इस दौरान औरंगजेब जो है थोड़ा सा अच्छा समच्चा मुसलमान निकला। इस बंदे ने एक किताब लिखा, उस किताब का नाम था फितवाए आलमगीरी। अच्छा, इस दौरान एक और बंदा, दो बंदे आए हैं, कंबाइंड हुकूमत की है दोनों जगहों पर। ठीक है, 1707 से लेकर 1719 तक, और ये बंदा 1703 में आया है। दो जगह दो हुकूमत, तो ये दोनों जो हैं मुगल ख़ानदान में काउंट होती हैं। इसके बाद इसका बेटा मोहम्मद शाह आया। मोहम्मद शाह 1719 में आया, 1759 तक। इस दौरान दो और छोटे जो हैं मुख्तलिफ जगहों पर दो और औरंगजेब टू आया है और अहमद शाह आया है, दो जगहों पर उन्होंने हुकूमत की है। ये मैंने लिखा है, अहमद शाह बहादुर लिखा हुआ है। ठीक है, डिफरेंट जगहों पर। लेकिन इस दौरान ये बंदा थोड़ा सा कमज़ोर था और जो मुगल मराठास जो थे वो मुसलसल इसके ख़िलाफ़ लड़ते थे। बैटल ऑफ प्लेसी इन दोनों के बीच में हुआ था। किसके बीच में? मोहम्मद शाह और मराठास के बीच में बैटल ऑफ प्लेसी हुआ था। ठीक है, इस ये बंदा कमज़ोर होने की वजह से इसने फिर एक और बंदे से रिक्वेस्ट किया कि भाई आप आ जाए मेरी मदद को। तो ये बंदा 1759, इसका हुकूमत ख़त्म हो गया। इसने रिक्वेस्ट किया था किससे? अहमद शाह अब्दाली से रिक्वेस्ट किया कि आप मेरी मदद करें। इस दौरान इसने अपने बेटे शाह आलम को बिठा दिया। अच्छा, 1719 से लेकर 1759 तक इसकी हुकूमत थी और इसके साइड पर अहमद शाह बहादुर भी हुकूमत कर रहा था 1759 से लेकर 1761 तक। लेकिन शाह आलम जैसे ही 1759 में आया तो इस दौरान चूंकि उसकी अब्बा ने किसे रिक्वेस्ट किया था? अहमद शाह से। तो अहमद शाह 1761 में आया और मराठास के खिलाफ ज़बरदस्त लड़ाई की अहमद शाह अब्दाली। ठीक है ना, ये कहलाता है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, किसके साथ दरमियान हुआ था? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ है अहमद शाह अब्दाली और मराठास के दरमियान हुआ, और फिर इसमें अहमद शाह अब्दाली ने हुकूमत संभाली। तब इसके बाद शाह आलम का गवर्नमेंट भी पावरफुल हो गया और उसने अपना बेटे अकबर टू को बिठा दिया। अकबर टू जो है 1806 से लेकर 1837 तक हुकूमत करने लगा। और इसके बाद अकबर का बेटा बहादुर शाह जो है वो क्या, बहादुर शाह जफर जो लास्ट एम्पायर था 1837 तक। 1857 में वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ जिसमें ब्रिटिशर्स आए थे, उन्होंने उनके साथ लड़ाई की। अब ब्रिटिशर्स कब आते हैं? ब्रिटिशर्स जो हैं वो 1600 में आते हैं। कब आते हैं? जहांगीर के दौर में आते हैं। यानी अकबर के जानने जैसे अकबर जो हुकूमत इख्तिताम को पहुँचता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड के गरज से सब कॉन्टिनेंट आते हैं, यहाँ पे ट्रेड करती हैं 1757 तक। यानी इसका मतलब ये है कि हमारे पास मोहम्मद शाह की हुकूमत तक ईस्ट इंडिया कंपनी मुकम्मल तौर पर जो है वो यहाँ पे काबिज़ हो चुकी होती है। इस दौरान इन्होंने यहाँ पे मिलिट्री में भी काम शुरू कर दिया, सिविल सर्विसेज में भी काम शुरू कर दिया और यहाँ पे सिटीजनशिप भी हासिल कर दी। अच्छा, इस दौरान एक और ज़बान बनने लगी, उसका नाम था उर्दू। ये उर्दू कैसे बनने लगी? अच्छा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले कि उर्दू जो है लैंग्वेज ऑफ द ट्रूप्स है, लश्करी ज़बान का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे ज़बानों से बनी है, बल्कि जब ये लोग आए इन्होंने क्या कर दिया, अपनी मिलिट्री कायम कर दी। इस दौरान मुसलमानों की मिलिट्री भी थी, तो दो मिलिट्रीज, एक ईस्ट इंडिया कंपनी की मिलिट्री और दूसरा मुस्लिम मिलिट्री। ईस्ट इंडिया कंपनी की मिलिट्री और मुस्लिम मिलिट्री। मुस्लिम मिलिट्री ने क्या कर दिया, अपनी बीच में एक जबान बनाने की कोशिश की।
कि भाई हम जो बोले वो इस मिलिट्री को समझना है। तो ये जो ट्रूप्स में चलते थे, ट्रूप्स जानते हैं लश्कर जिसको कहते हैं आमतौर पर। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को आज मैं बता रहा हूँ, शायद आप लोगों के जेन में हो पहले या ना हो। लैंग्वेज ऑफ द ट्रूप्स लश्करी जबान उर्दू है। इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत सारी जबानों से मिलकर बनी है, बल्कि इसका मतलब ये है ये जो ट्रूप्स, ये जो लश्कर, फौजी लश्कर जो जबान बोलते थे आपस में ताकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को समझ ना आए, इन्होंने अपनी कोड जबान बनाने की कोशिश की। इसमें बहुत सारे लोग थे, उस लैंग्वेज का नाम लगा लश्करी जबान के लैंग्वेज ऑफ द ट्रूप्स। ये सिर्फ लश्कर को समझ आती थी और किसी को समझ नहीं आती थी। इस जबान 1823 तक ये जबान बनने लगी। कहा जाता है कि ये जबान 300 साल से कोशिश में थी, बन रही थी। तो 1823 को ये जबान कंप्लीट हो गई। 1837 में जैसी बहादुर शाह आता है, ये इस जबान को सरकारी जबान, ऑफिशियल जबान कंसिडर करता है कि उर्दू विल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। कौन? बहादुर शाह जफर 1837 में आता है तो इस जबान को ऑफिशियल जबान कंसिडर करता है। और फिर 1857 में वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो है लड़ता है। वार ऑफ इंडिपेंडेंस के काजिज क्या आते हैं, और इस दौरान एक और बंदा भी आता है, उसका नाम है सर सैयद अहमद खान। 1817 में पैदा होता है और ये जाके अंग्रेज़ों के कोर्ट में, मुग़ल के कोर्ट में पहला जो है वज़ीर हैं, फिर जो है सॉरी मुग़ल के कोर्ट में ये क्लर्क भर्ती होता है और ये अंग्रेज़ों को सपोर्ट करता है। इसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह कल। तो तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह 1857 वाला फिर से हम कल पढ़ेंगे।